लाज नागेंद्र नंबर 348 और गोरखपुर विश्वविद्यालय के रानी रश्मिबाई महिला छात्रावास के संयुक्त तत्वाधान में हेल्थ जागरूकता कैंप का आयोजन छात्रावास परिसर में किया गया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह, कैप्टन वीरेंद्र पाठक, राजीव राम कृष्ण खंडेलवाल, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, ब्रिगेडियर जीवन सिंह, राजपुरोहित डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर विनीता पाठक सहित अन्य पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक और छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा छात्रावास की छात्राओं का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया और उन्हें उचित परामर्श और दवाएं भी दी गईं। अपने संबोधन में हॉस्टल की वार्डन विनीता पाठक ने कहा कि छात्राओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। इसी के लिए फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। मंचा से समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूँ। हमारे भारतीय परंपरा में अतिथि को ईश्वर के समतुल्य बताया जाता है। भाग्य है कि इस प्रोग्राम में हमारे एनसीसी के ग्रुप, तो आप लोग भूल जाइए कि अब महिलाएं उपेक्षित हैं और इतनी वो है परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नाक में दम कर देती हूँ मैं तो, यहाँ 500 बच्चों को देखती हूँ ना, और आगे के भारत की तस्वीर मुझे दिखाई पड़ती है कि पुरुषों की क्या दशा होने वाली है। आज एक हाइजीन और हेल्थ चेकअप कैंप रखने के बीच कारण है, वो ये कि है जब से मैं महिला छात्रावास से जुड़ी हूँ और एग्जाम टाइम में मैंने देखा कि रोज कोई ना कोई बच्ची किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो रही है। ज़्यादातर यहाँ की गोरखपुर एरिया की जो प्रॉब्लम है इसकी पेट की गड़बड़ी, कभी किसी को चक्कर आना, उल्टी आना, और ऐसी स्थिति होती है कि बस रात में लगता है 1:30-2 बजे रात में जब इस तरह की समस्या आती है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी भी है यूनिवर्सिटी की जो कि सिर्फ 1-2 बजे दोपहर तक काम करती है, उसके बाद हमारे सामने ये समस्या रहती है कि इन बच्चियों को लेके हम कहाँ जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि सदर अस्पताल की स्थिति बहुत कुछ सुधर गई है, हमको उसका ही सहारा लेना पड़ता है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, सक्षम हैं और योग्य हैं, तो क्यों ना कभी इनको भी बुला करके इन बच्चियों को मिलवाएं इनसे, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है वो उनसे वो डिस्कस कर सकती हैं, अपने रोग का निदान कर सकती हैं। आपको बता दें कि इस छात्रावास में जो छात्राएं बहुत पिछड़े इलाकों से भी आती हैं, सभी लोग सक्षम नहीं होते कि अच्छे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से, चिकित्सकों से राय ले सके या उन तक पहुँच सके। तो इसलिए मैंने इन लोगों से अनुरोध किया कि, और मेरे इस अनुरोध को उन्होंने सहज ही स्वीकार किया। और जानते हैं आप लोग सभी कि डॉक्टर्स का वक्त कितना कीमती होता है, अगर वो निकाल करके आपके साथ यहाँ पर आए हैं तो हमको उनका एहसान मंद होना चाहिए, क्योंकि ये इनकी सहजता है, सरलता है। क्योंकि आज के इस बाजारी युग में कोई भी अपना कीमती समय आपको देना नहीं चाहता है बिना कुछ रिटर्न के, और यहाँ हम सिर्फ इनको अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी शुभकामनाओं के अलावा कुछ नहीं दे सकते, और बहुत सहज तरीके से ये हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर साहब, आप सब के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ।